सो हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टॉयज आर गोल्ड। एंड आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ हमारा एस एच फिगर आर्ट्स का गोहान फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। जी हाँ, काफ़ी ऑसम फिगर है। इससे पहले मैंने ये वीडियो बना दी थी पुराने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं रीअपलोड कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द डोपेस्ट लुकिंग फिगर्स और काफ़ी अच्छी आर्टिकुलेशन और काफ़ी अच्छा लुक है इसका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और ज़रूर से कॉमेंट करें। सो नाउ गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज एज यू नो, कूल एंड ऑसम पैकेजिंग फ्रॉम एस एच फिगर आर्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एस एच फिगर आर्ट्स अल्टीमेट गोहान सुपर हीरो। काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे हमें मिलता है इसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन बॉल बैंडाई एज यूजुअल। साइड में आ जाए तो सिंपल यहाँ पे भी अल्टीमेट गोहान सुपर हीरो लिखा हुआ। एंड फ्रॉम दिस साइड एज वेल यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्शन फिगर फोटोग्राफी ऑन द रेयर। यू कैन सी यहाँ पे मिल जाता है हमें गोहान और बाकी के एक्शन फिगर फोटोग्राफी और एसेसरीज के साथ ही। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की लैंग्वेज में लिखा हुआ अंडर दिस बॉक्स। सो सिंपल ऑसम सी पैकेजिंग एज वी गेट फ्रॉम एस एच फिगर आर्ट्स। लेट्स टेक इट आउट ऑफ द बॉक्स। सो आउट ऑफ द पैकेजिंग ये रहा हमारा गोहान। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल लीफलेट या व्हाटएवर यू कॉल इट। सो और मिल जाता है हमें हमारा पैकेज। लेट्स टेक इट आउट ऑफ द पैकेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द एसेसरीज। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इसके साथ इसके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स। उसमें से हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारे दो हैंड्स जो कि हैं इसके पुशिंग हैंड्स। एज यू गाइस कैन सी हियर ऑसम डिटेलिंग, ऑसम कलर, ऑसम डिजाइन फ्रॉम बोथ द साइड्स दैट लुक सुपर डुपर कूल विद द प्रॉपर टेक्सचर। सेकेंडली वी गेट हियर द अनदर पेयर ऑफ स्क्विशी हैंड्स जो हमें इसके साथ मिल जाते हैं एज यू गाइज नो, जो कि हमें बाकी के वेजिटा और गोकू के एक्शन फिगर के साथ भी मिला था। एज यू गाइज हैव सीन काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर अच्छा है इन पे। एज आई हैव सीन दिस, इतना ज़्यादा मुझे नहीं एक्सपेक्ट था इस फिगर का टेक्सचर होगा बिकॉज काफ़ी कंप्लेंट्स ही आ रही थी इसकी। सो इसको रख देते हैं साइड में। राइट हियर मिल जाते हैं हमें दो इसके वुल्फ फैंग फिस्ट वाले हैंड्स एज यू गाइज नो, जो कि इसके हमें मिल जाते हैं इसके साथ। लेकिन द ओनली मिसिंग थिंग इज दिस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हेड। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अच्छे टेक्सचर्ड हैं। एंड फाइनली आई डू हैव दीज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हेड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फेस, ना कि हेड है, फेस है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा हेयर हमें मिलकर नहीं बिल्कुल इसके साथ, इसके फेस के साथ बाकी के फिगर्स की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्क्रीमिंग फेस है इसका प्रॉपरली डिटेल्ड। एंड सेकेंडली आई यू कैन सी हेयर इसका एंग्री फेस जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यू गाइस कैन सी ये भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, प्रोपोर्शनली काफ़ी अच्छा है इन बोथ द वेज। बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट अनदर फेस जो कि हमें इसमें नहीं मिलता, तो इसको रख देते हैं साइड में। एंड फाइनली वी हैव हियर ओवर गोहान। जी हाँ गाइज, ये रहा हमारा गोहान अल्टीमेट गोहान फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। यू कैन सी द टेक्सचर, यू कैन सी द डिटेल, यू कैन सी द डिजाइन, इट लुक्स सुपर ऑसम। चलिए कर देते हैं इसका ये पॉलिथीन यहाँ पे हम रिमूव। सो यहाँ पे मैंने इसको पॉलिथीन रिमूव कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल डिजाइन। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस चेस्ट पीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। एंड ओवरऑल कलर मैं कहूँ तो यहाँ पे कलर ज़्यादा ब्राइट आ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, अदरवाइज इसका थोड़ा लाइट पर्पल कलर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लूश पर्पल दिखा रहा है जस्ट लाइक यामा बाइक्स। सो हियर यू कैन सी हिज फीट, इसके फीट पे भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसके शूज़ पे। एंड ओवरऑल कहूँ तो इसके ट्राउजर्स एंड ओवरऑल बॉडी का डिज़ाइन दिस इज डोप। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस फिगर से और अभी तक तो ये खरा ही उतर रहा है उस एक्सपेक्टेशन पे। सो इट्स अ वेरी नाइस फिगर, काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी मुझे लग रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका कलर और डिज़ाइन। बात करें इसके हेड की तो यू कैन सी द टेक्सचर ऑन द हेयर और इसके हेयर की डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें मिल जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉर्न आउट या प्लास्टिकेशन यहाँ पे हुई हुई है। सो ऑन द फेस यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका सीरियस फेस। वेल इट स्टिल लुक्स डोप, काफ़ी अच्छा फिगर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन भी मामले अच्छा है। और मैंने इसे परचेज किया है फॉर पीस 4100। जी हाँ, 4199 में मैंने इसे परचेज किया है फ्रॉम नर्ड एरिना। आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। बट स्टिल और ओवरऑल कहें ये फिगर इट इज ऑसम। मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। द ओनली थिंग इट्स लैकिंग इज अनदर फेस जो कि ऐड ऑन कर सकते थे इन द पैकेजिंग। काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी अभी तक पैकेजिंग में। सो अब बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेशन की। सो गाइज आर्टिकुलेशन के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा गोहान का फिगर। और सबसे पहले इसके हेड को देख लेते हैं, रोटेटेबल है इसका हेड यहाँ पे फुल्ली। दैट्स रियली कूल। एस एच फिगर आर्ट्स की आर्टिकुलेशन का क्या ही कहना। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड रेज विद बाइसेप कट एज वेल एज डबल जॉइंटेड एल्बोज, टू नाइस एंड फ्रंट एंड बैक मूवमेंट इन हिज हैंड्स, फिस्टेड हैंड्स में मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक तरह के ब्रेसेस हमें इसके मिल जाते हैं कमिंग आउट ऑफ दिस शोल्डर। ये भी कुछ इतना हम कर सकते हैं रेस जस्ट लाइक दिस। जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड यहाँ पे बाइसेप कट विद सिमिलर टाइप ऑफ ब्रेसेस। एंड ये हैंड मुझे थोड़ा बहुत सा लूज लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट अपीयर्स टू बी अ बिट लूज देन दैट वन। सो कमिंग ऑन टू द हेड यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं इसका टिल्ट मोशन भी हमें मिल जाता है। वेल इट्स अ वेरी ऑसम थिंग। एंड नेक मूवमेंट भी हमें मिल जाती है एस एच फिगर आर्ट्स में एज यू गाइज नो ऑलरेडी। सो कुछ इतना देखेगा ये डाउन, कुछ इतना देख लेता है अप। एंड यहाँ पे हमें देख लेते हैं इसका एब क्रंच। यहाँ पे हमें डायफ्राम टाइप जॉइंट मिल जाता है जो कि कुछ इतना रोटेटेबल है जस्ट लाइक दिस। एंड एब क्रंच कुछ इतना रेयर, आप इतना मोड़ सकते हैं इसको। एंड साइड स्प्लिट जस्ट लाइक दिस, स्प्लिट्स कुछ इस तरह के हैं इसके।
एंड कमिंग ऑन टू द फ्रंट यू कैन सी रेयर में उतना ज़्यादा नहीं जाती इसकी लेग्स, सो फ्रंट में कुछ इतना, एंड सिमिलरली इस वाली लेग में भी. कमिंग ऑन टू द नीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल जॉइंटेड नीज, वेल दैट्स अ वेरी मच पोजिबल एक्शन फिगर. सिमिलरली यहाँ से भी डबल जॉइंटेड मिल जाती हैं, वेरी नाइस. यहाँ पे भी थाइज में भी हमें कट मिल जाता है और यहाँ पे भी लेग्स में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकुलेशन मिल जाती है, वेल दैट्स टू नाइस. एंड उसी के साथ साथ हमें मिल जाते हैं इसके टो आर्टिकुलेशन एज वेल एज वी हैव सीन इन ब्रोली, गोकू एज वेल एज वेजिटा. सो यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी टो आर्टिकुलेशन. ओवरऑल कहूँ तो ये फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही ज़्यादा लिट फिगर है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट फिगर है. यहाँ पे रेयर में भी आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल ऐड करते हैं इसके ट्राउजर्स में. ओवरऑल यहाँ पे इसकी काफ मूवमेंट भी हमें मिल जाती है एज वेल एज हिज फीट मूवमेंट. सो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकुलेबल फिगर है. सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो एस एच फिगर्स गो ऑन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की. उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी. लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज 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 गाइज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज वी वांट टू ग्रो मोर मोर एंड मोर. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई फिगर आपको देखना हो तो जरूर से उसका नाम भी कमेंट करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टाटा.